नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में 6 अप्रैल बड़ा दिन रहा। बंगाल में 31 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग हुई, तो वहीं असम में भी तीसरे और आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान मंगलवार को हुए। इसके अलावा केरल की सभी 140 और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए भी मतदान हुआ। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मंगलवार को 30 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण में भी छिटपुट हिंसा के बीच मंगलवार को जमकर वोटिंग हुई। राज्य की सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे के ऊपर हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए, लेकिन वोटरों के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के चुनावी मैदान में उतरे 205 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। बंगाल में शाम 7 बजे तक 77% से ज्यादा वोटिंग हुआ। पश्चिम बंगाल में मीडिया कर्मियों और स्वयंसेवकों ने आरोप लगाया कि होराशली के तारकेश्वर में एक मतदान केंद्र के परिसर में उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने धक्का दिया। I hope not. Look, by and large, if you go inside, as I did, voting is going around reasonably peacefully. There was some jurisdictional turf issues involved here. I think most of it is due to misunderstanding, not to mention the fact that, you know, at 1 o'clock in the afternoon, things can get a bit hot and prickly for people. I think the issue is really, that's the point I'm going to mention. The idea is to get as many voters possible. And anything which distracts from it, I'm not going to get derailed by it. We can deal with it later. Bengal ke alawa, baki ke 4 rajya Assam, Tamil Nadu, Kerala aur Puducherry mein shantipurna tarike se logon ne vote dale. अब बात असम की। असम विधानसभा चुनाव 2021 के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान खत्म हो गया। असम में शाम 7:11 तक 82.29% मतदान हुआ। यहां के बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। केरल विधानसभा चुनाव के पहले और आखिरी चरण में सभी 140 सीटों पर मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। यहां पर करीब 70% मतदाताओं ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। यहां पर भीषण गर्मी के बावजूद बूथ पर काफी संख्या में महिला, पुरुष और वरिष्ठ नागरिकों की कतार देखी गई। इसके अलावा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले और आखिरी चरण में राज्य की सभी 234 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग खत्म हुई। राज्य में 88,937 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तमिलनाडु में 65.11% मतदान हुआ। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए 324 उम्मीदवारों की किस्मत मंगलवार को मत पेटी में बंद हो गई। इस चरण के दौरान 10.04 वोटर्स थे और 1558 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बात वोट परसेंट की करें तो पुडुचेरी में 78.13% मतदान हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।